हमें मालूम हुआ था 22 दिसंबर 2018 को एक सर सैयद ग्लोबल एक्सलेंट लीडरशिप अवार्ड दिया जा रहा है, ये दुबई के अंदर में दिया जा रहा है, वहाँ प्रोग्राम हो रहा है, वहाँ दिया जा रहा है। वहाँ पर हामिद अंसारी साहब को, फरुख इस्लाम साहब को, तारिक साहब को और अनुभाव सिंह साहब को और अजय चौधरी साहब को बुलाया जा रहा है। एक साहब को और बुलाया जा रहा है जिनका नाम है जिल्लू अहमद निजामी, जो कराची में पाकिस्तान के रहने वाले हैं। हमारा विरोध इस बात का कि पाकिस्तानी किसी आदमी को ना दिया जाए, अगर दे तो यूनिवर्सिटी बुला के दे या हिंदुस्तान गवर्नमेंट दे। ये वहां पर बैठ के दो में बैठ के कोई मुसलमान देगा, यहां पर हमारी यूनिवर्सिटी बदनाम होगी और 125 करोड़ लोगों की भावना का ख्याल रखते हुए इस बात का हमारा विरोध है कि ये प्रोग्राम रद्द होना चाहिए और ये प्रोग्राम के अंदर जिल्लू साहब को न दिया जाए। तो सैयद एक्सीलेंस अवार्ड की बात हो रही है, देखिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ऐसे संस्थाओं से किसी का कोई लेना देना नहीं। ओल्ड बॉयज होते हैं, वो अलग अलग तरीके के प्रोग्राम करते हैं, एजुकेशनल मतलब के एक्सीलेंस के लिए या उसके ग्रोथ के लिए काम कर रहे हैं और मुख्तलिफ चैरिटी, ये एक इवेंट कंपनी है ये आगा पुश्किन की, ओके। तो इसमें ये लोग हमेशा प्रोग्राम करते रहते हैं, अभी भी कर रहे हैं एक्सीलेंस। अभी मेरी बात हुई उनसे तो इस तरह की जो खबर आपकी तरफ आ रही थी, इसमें यूनिवर्सिटी की कहीं से जवाबदेही तय नहीं होती, क्योंकि यूनिवर्सिटी का कोई स्टूडेंट हो, टीचर हो, नॉन टीचिंग हो और वो कोई ऐसी चीज़ करे तो यूनिवर्सिटी इसमें बात करे। लेकिन तब भी हमने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए सवाल आपका आया तो हमने मालूम किया, तो उन्होंने बताया नहीं साहब, बहुत से नाम आते हैं हमारे पास लेकिन हम एक महीने पहले डिक्लेयर कर दिया, 6-7, 4-5-6 लोगों को अवार्ड दे रहे हैं, उसमें कोई भी मतलब के पाकिस्तानी नहीं है।